हरियाणा में आज से शुरू होगी लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया और साथ ही हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन। साथ ही आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के साथ शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। 29 अप्रैल से लेकर 6 मई तक उम्मीदवार कर सकते हैं नामांकन और वहीं दाखिल 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच। साथ ही आपको बता दें पड़ताल की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी नामांकन प्रक्रिया को लेकर और वहीं 9 मई को अपना नामांकन वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। 25 मई को हरियाणा में होगा मतदान और साथ ही 4 जून को किए जाएंगे नतीजे घोषित। 25 मई को हरियाणा में चुनाव होने हैं और साथ ही आपको बता दें नामांकन जो प्रक्रिया है उसको लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ गए हैं, जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ जानकारी है नामांकन प्रक्रिया को लेकर, दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए प्रिया, अगर हरियाणा में लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव के लिए जो नामांकन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आज नोटिफिकेशन हो जाएगा। नोटिफिकेशन के साथ ही हरियाणा में जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अगर नामांकन प्रक्रिया की अगर बात करें, नामांकन आज यानी 29 अप्रैल से लेकर सोमवार 6 मई तक कोई भी अगर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, उम्मीदवार है कोई भी, वो 6 मई तक अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। अगर नामांकन पत्रों की बात करें, नामांकन पत्रों की जो जांच पड़ताल है वो 7 मई को होगी। वहीं जो नामांकन वापस लेने की जो तारीख है वो 9 मई तक, अगर कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो 9 मई तक अपना नामांकन वापस ले सकता है। इसके बाद कहीं ना कहीं जैसे नामांकन प्रक्रिया खत्म होगी, जो भी चुनाव प्रचार होता है उसमें अमूमन फिर तेजी आ जाती है। अगर बात करें मतदान की, हरियाणा में मतदान जो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, एक सीट करनाल विधानसभा उपचुनाव जहाँ पर हो रहा है, 25 मई को मतदान होगा। वहीं 4 जून को हरियाणा पूरे देश भर में जो है जो चुनाव नतीजे वो सामने आएंगे। आपने तमाम जानकारी दी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हरियाणा में आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया और वहीं गुरुग्राम में आपकी बता दें कि गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज नामांकन करेंगे और वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही सुबह 11 बजे राव इंद्रजीत सिंह रैली करेंगे और वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा के अंदर नामांकन प्रक्रिया को लेकर बता रहे हैं। 25 मई को चुनाव होने हैं हरियाणा के अंदर और वहीं बता रहे हैं कि हरियाणा में आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। हमारे साथ अनिल मौर जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनसे जानकारी ले लेते हैं इस खबर पे भी। क्या कुछ जानकारी है जो हरियाणा में आज से शुरू होने वाले नामांकन प्रक्रिया, क्या कुछ समय रहने वाला है, अधिक जानकारी के लिए दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल, जो प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। अगर नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन की अगर बात करें, पहले दिन गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपना नामांकन करेंगे। उनके नामांकन के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी खासतौर से मौजूद रहेंगे। अगर जो शेड्यूल जारी किया गया उसके तहत मुख्यमंत्री नायब सैनी तकरीबन 9 बजे गुरुग्राम में पहुंच जाएंगे, 10 बजे जो पार्टी कार्यालय है गुरुग्राम में, जो चुनाव कार्यालय है राव इंद्रजीत सिंह का, वहां पर जाएंगे मुख्यमंत्री। 11 बजे के आसपास जो है राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ लघु सचिवालय में जाएंगे और वहां पर जो नामांकन है नामांकन करेंगे। नामांकन के बाद राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से एक बड़ी रैली यहां पर रखी गई है, सिविल लाइंस के पास जो ग्राउंड है वहां पर राव इंद्रजीत सिंह की रैली होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह रैली करके जो अपनी ताकत है, जो दक्षिण हरियाणा के वो सबसे बड़े नेता है, क्यों वो इतने बड़े नेता है, तो अपनी ताकत दिखाने का काम राव इंद्रजीत सिंह करेंगे। अगर राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, लगातार 4 बार से वो सांसद बनते आ रहे हैं और जो इस बार भी कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहेगी कि वो एक रिकॉर्ड कायम करें। शुक्रिया, आपने जानकारी दी, आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे।